गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम हियर विद योर न्यू वीडियो, दिस इज़ योर रिवीजन सिक्स। बच्चों, आज हम रिवीजन सिक्स में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो चलिए सभी क्वेश्चन आंसर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको जितने क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे बच्चों, आपको उसको लाइन से लिखकर याद करना है और प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हु अकॉर्डिंग टू द नैरेटर, ओके, हु अकॉर्डिंग टू द नैरेटर आर योर ट्रू फ्रेंड्स। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, चैप्टर अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। ओके, और रिवाइज करिए क्वेश्चन को। अ प्लांट और ह्यूमन दैट स्टैंड बाई अस इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी आर आवर्स ट्रू फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझाया गया है ना कि प्लांट्स और ह्यूमन बींग अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो हमेशा समय पर खड़े होते हैं एक दूसरे के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नंबर्स आप अपने आप से डालेंगे। ओके, हाउ वॉज द नैरेटर एबल टू ग्रो एंड ऑरेंज ट्री इन हिज बेडरूम। ओके, द ऑरेंज ट्री ग्रो इन द नैरेटर्स ऑफ बेडरूम ऑलमोस्ट बाई एक्सीडेंट। इट मीन्स दैट इसमें पूछ रहा है कि किस तरीके से नैरेटर के कमरे में ऑरेंज का पेड़ निकल आया था, तो इसमें एक्सीडेंटली, इट मीन्स दैट अचानक से ऑरेंज का पेड़ नैरेटर के रूप में रूम में निकल आया था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नैरेटर्स व्यू ऑन लॉयल्टी इन प्लांट्स। लॉयल्टी को लेकर, प्लांट्स के लेकर कौन से व्यूज़ थे नैरेटर के, तो लॉयल्टी इन प्लांट्स शुड बी रिस्पेक्टेड एंड रिवॉर्डेड। ओके, हम प्लांट के प्रति वफादारी कैसे दिखा सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसकी केयर करके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नैरेटर से दैट इट वॉज लवली टू लिव ऑन अ रैफ्ट। तो यहाँ पे है, द नैरेटर एंजॉयड सेलिंग ऑन द मिसिसिपी रिवर एट नाइट। यहाँ पे रैफ्ट पर जब नैरेटर घूम रहा था, तो उस सिचुएशन को वो काफ़ी लवली बोल रहा था। क्यों बोल रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर रैफ्ट पर बैठकर सेलिंग, इट मीन दैट तैर रहा था, कहाँ पे, मिसिसिपी रिवर में रात के समय। ओके बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले से ही समझा दिए गए हैं, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ। सभी बच्चे इसको अच्छे से अपनी कॉपी में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेड द रिवर लुक ऑफुल प्रिटी। क्या ऐसा कौन सा दृश्य था जो रिवर को बहुत ज़्यादा सुंदर बना रहा था, तो इसका आंसर है, द स्पार्क वुड ड्रेन डाउन इनटू द रिवर इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट मेकिंग इट अ वेरी प्रिटी साइट। डियर स्टूडेंट, रात के समय रिवर के नाइट में रिवर में जो डार्कनेस थी, ओके, उसके ऊपर उसकी स्पार्क मतलब क्या होता है, चमक पड़ रही थी, रेन डाउन इनटू द रिवर, मतलब जब बारिश की बूंदें रिवर में जा रही थी तो उसमें लाइट की वजह से चमक पड़ रही थी, और ये जो साइट था, साइट मीन्स होता है दृश्य, रिवर को काफ़ी खूबसूरत बना रहा था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द रैफ्ट डू व्हेन द एयर वॉज थिक फॉग। जब रैफ्ट लेकर जा रहे थे पोएट्स, ओके, तो वहाँ पे फॉग था, तो लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे जब रैफ्ट लेकर जा रहे थे, वाइल पासिंग बाय द वुड बीट इन द पैंस एंड मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट सो दैट स्टीम बोट्स वुड नॉट रन ओवर देम। बेटा, जब वो रैफ्ट के साथ जा रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने जब फॉग देखा तो वो टिन को पीटने लगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बेटा डोरथी चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डिड डोरथी एंड हर डॉग लैंड आफ्टर देयर हाउस गॉट ब्लोन अवे इन द साइक्लोन। तो डोरथी एंड हर डॉग लैंडेड इन द मिडिल ऑफ अ ब्यूटिफुल कंट्री, इट वॉज द लैंड ऑफ मचकिन। ओके, डोरथी और उनके डॉग कहाँ पे लैंड किए थे, मचकिन की कंट्री में। ओके स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वॉज डोरथी फर्स्ट रिएक्शन व्हेन शी सॉ द लैंड ऑफ द मचकिन। जब डोरथी ने मचकिन के लैंड को देखा, तो उसका पहला रिएक्शन क्या था, किस तरीके से बिहेव किया डोरथी ने, तो डोरथी गेव अ क्राई ऑफ अमेजमेंट व्हेन शी ओपन द डोर ऑफ हर हाउस एंड लुक आउट एट द ब्यूटिफुल कंट्री।
जब डोरथी ने अपना बदलाव देखा कि वो कहाँ से कहाँ आ गई, तो वो रोने लगी ये अमेजमेंट को देखकर। और उसने जब भी डोर खोला तो देखा कि ये कितनी खूबसूरत कंट्री और मैं ये कहाँ पर आ गई। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अपने कॉपी में राइट करना है, ओके, और याद करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रिटन ऑन द स्लेट। बेटा स्लेट पर क्या लिखा हुआ था, स्लेट पर क्या लिखा हुआ था, ऑन द स्लेट द फॉलोइंग वाज रिटन इन बिग वाइट चॉक मार्क। जो भी लिखा हुआ था वो वाइट चॉक से लिखा गया था और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको जो बताए गए हैं इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपने इसको पहले से राइट किया है तो आप मार्क करके इसको याद करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का आपका जो रिवीजन 6 वर्क है, सभी बच्चों को सबसे पहले याद करने पे फोकस करना है। ओके स्टूडेंट, जिन्होंने सारे वर्क को, सारे क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट डाउन किया है, वो सिर्फ क्वेश्चन को मार्क करेंगे और लर्न करेंगे। और जो कुछ बच्चे अभी तक क्वेश्चंस को, कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किए हैं, तो वो सभी बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पहले एक साथ राइट करेंगे, लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे इसी तरीके से अपने प्रश्न को कंप्लीट करके लर्न करेंगे। दिस इज़ योर टुडे वर्क। ऑल स्टूडेंट एंजॉय योर वीडियो एंड टेक केयर।